हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, यहाँ पे बिहार सरकार की ओर से जो है बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग ये पहली बार नाम सुन रहे हैं, बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल क्या है वो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये वेबसाइट यानी कि पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसके जरिए अब आप लोग अपने नए और पुराने दोनों जमीन का यहाँ पे डिटेल्स को नए तरीके से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों का इंटरनेट पे अगर कोई भी जमीन चढ़ा हुआ है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो, चाहे वो खाता, खेसरा, रकबा, लगान या आप लोगों का नाम से संबंधित अगर कोई भी त्रुटि है, तो आप उसे घर बैठे ऑनलाइन ही अब सुधार कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे जो है, अगर आप लोगों का कोई भी पुराना रसीद है जो अभी तक आप लोगों का नेट पे यहाँ पे शो नहीं करता है, यानी कि अभी तक नेट पे नहीं चढ़ा है, तो अब इस पोर्टल के जरिए आप लोग खुद से बहुत ही आसान प्रोसेस के साथ इसे चढ़ा सकते हैं, जिसको लेके अब बिहार सरकार यहाँ पे परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च किया गया है। पहले जो है वो परिमार्जन पोर्टल था, उस पर कई सारे जो है आप लोगों का यहाँ पे सिर्फ सुधार किया जाता था, लेकिन अब जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके जरिए आप लोग बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में यहाँ पे अपने खाता, खेसरा, रकबा में सुधार भी कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने जितने भी पुराने जमीन है उसे ऑनलाइन इंटरनेट पर चढ़ा भी सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए ताकि आप लोगों को यहाँ पे बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और नीचे ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हैं, तो आप लोग नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर ले ताकि आप लोगों को लगातार ऐसी अपडेट मिलते रहे। तो यहाँ पे आइए चलते हैं और बताते हैं कि परिमार्जन प्लस पोर्टल है क्या। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे गूगल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे टाइप करना होगा द अपडेट प्रो। जैसे ही आप लोग यहाँ पे लिख के सर्च कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे ये खुल के आएगा और यहाँ पे आप लोगों का द अपडेट प्रो का जो है यहाँ पे होम पेज आप लोगों के सामने खुल के आएगा। आप लोगों को सिंपली इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह से ये वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन होके आएगा। ऊपर आप लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में ही आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल लॉन्च। आप लोग अपने इस पोर्टल की मदद से आप जमाबंदी में आसानी से सुधार कर पाएंगे। तो आखिर आप लोगों को सुधार की आवेदन प्रक्रिया क्या है, उसको देखने के लिए आप लोगों को इस वाले लिंक पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको क्लोज करना है। यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बिहार परिमार्जन प्लस पोर्टल के बारे में बताया गया है कि बिहार सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके जरिए आप अपने जमीन का खाता, खेसरा, रकबा, नाम और लगान से संबंधित यहाँ पे बिल्कुल नए तरीके से अपने जमीन को आप ऑनलाइन खुद से यहाँ पे ऑनलाइन चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इस आर्टिकल में पूरा बताया गया है कि आप लोगों का यहाँ पे बिहार परिमार्जन पोर्टल जो है आखिर क्यों बनाया गया है और इसमें क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में यहाँ पे बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। पहले आप लोगों का यहाँ पे जो ऑफलाइन दाखिल खारिज हुआ था उसी में आप लोगों का यहाँ पे सारा डिटेल्स चेंज हो सकता था, लेकिन अब इस पोर्टल के जरिए आप लोग अपने ऑनलाइन दाखिल खारिज में भी जो भी आप लोगों का मिस्टेक हो जाता है उसे आप सुधार कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अच्छा पोर्टल है और इसके जरिए काफ़ी आप लोगों को सुविधा होने वाली है। तो आप लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे आइएगा वेबसाइट पे, यहाँ पे आप लोगों को परिमार्जन प्लस पोर्टल का एक टैब दिखाई देगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोगों के सामने न्यू रजिस्ट्रेशन का एक पेज खुलेगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आप लोग यहाँ पे आएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना होगा। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से दो ऑप्शन आएंगे, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे ओल्ड जमाबंदी और न्यू जमाबंदी का दोनों आप लोगों का ऑनलाइन म्यूटेशन का ऑप्शन आ रहा है। आप जिसमें भी सुधार करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। तो सारी प्रक्रिया यहाँ पे बताई गई है, आप लोग अच्छे से जरूर इसे चेक कर लेंगे। नीचे में आप लोगों को यहाँ पे लिंक दिया गया है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो यहाँ पे आप लोग लॉग इन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने खुल के आएगा। उसके बाद आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं परिमार्जन प्लस पोर्टल का एक नया टैब दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से जो है इसका लॉगिन पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपना एक मोबाइल नंबर, पहले आप लोग अगर फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो यहाँ पे साइन इन करेंगे। साइन इन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने खुल के आएगा, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप लोग अपना डिटेल्स को डाल के यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। हम यहाँ पे पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो यहाँ पे हम सीधा लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद एक मोबाइल नंबर देना होगा, जो भी मोबाइल नंबर आप लोग रजिस्ट्रेशन करने टाइम डालेंगे उस पर एक OTP जाएगा। कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे आप लोग इस कैप्चा कोड को डालेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे।
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करना होगा। तो जैसे आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ पे ओटीपी जाएगा तो आप लोग कुछ इस तरह से ओटीपी डालेंगे, कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप लोगों के सामने यहाँ पे कुछ इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है परिमार्जन हेतु आवेदन करने का एक ऑप्शन दिया गया है। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने जो है ये परिमार्जन पोर्टल का जो न्यू वेबसाइट है प्लस पोर्टल, वो आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ओपन होके आएगा। यहाँ पे ऊपर में आप लोगों के बेसिक डिटेल्स आएगी, जिसे मैं यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन के चलते हाइड कर रखा हूँ, जिसमें नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर सारा डिटेल्स रहेगा। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन दिए गए हैं, डिजिटल जमाबंदी में सुधार, और यहाँ पे दिया गया है कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे जमाबंदी का डिजिटाइजेशन। अगर आप लोगों का यहाँ पे नेट पे जमीन चढ़ा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करके उसे सुधार कर सकते हैं। अगर आप लोगों का यहाँ पे रसीद जो है अभी तक नेट पे नहीं चढ़ा, यानी कि आपका कोई भी डिटेल्स नेट पे शो नहीं कर रहा है, तो आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आप लोग अभी क्लिक कीजिएगा तो अभी इसे जो है लाइव नहीं किया गया, ये सेवा अभी शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। तो अभी ये लाइव नहीं है। आप लोग अगर यहाँ पे सुधार करना चाहते हैं जो पहले से जो यहाँ पे नेट पे चढ़ा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने आएगा। आप लोग यहाँ पे ऊपर में ओल्ड जमाबंदी पे क्लिक करेंगे और प्रोसीड करेंगे। अगर आप लोगों का न्यू जमाबंदी करना है तो यहाँ से भी आप लोग ऑनलाइन म्यूटेशन का कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ये डिटेल्स शो होगा, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ से आप लोगों को यहाँ पे पहले आप लोगों को यहाँ पे जो है कोई एक डिटेल्स आप लोगों को जो भी आप लोगों के जिला है, अंचल है, उसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे। जिस भी मौजा में आप लोगों का यहाँ पे जमीन है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोगों से यहाँ पे चाहे तो आप लोग यहाँ पे अपने रैयत के नाम से खोज सकते हैं, खाता नंबर से खोज सकते हैं, पृष्ठ संख्या, भाग संख्या, प्लॉट नंबर, जमाबंदी नंबर, यानी कोई भी एक डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे देने होंगे। तो यहाँ पे फिलहाल मैं अपना जो है यहाँ पे जमाबंदी नंबर एंटर करता हूँ और सर्च जमाबंदी पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक कीजिएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स ओपन होके आ चुका है। सामने वाले इस एरो पे आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने आएगा। यहाँ से आप लोगों से पूछा जाता है क्या आप रैयत के विवरण में सुधार करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे अपना खाता खेसरा सुधार करना चाहते हैं तो यस करेंगे। अगर आप लोग सिर्फ अपना रकबा सुधार करना चाहते हैं तो यस करेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे अपने लगान की राशि और वर्ष में सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे। और यस जैसे आप लोग करेंगे तो थोड़ा देर आप लोगों को यहाँ पे वेट करना है, और वेट करने के बाद जो है आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ये खुल के आएगा, जहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अमाउंट आप लोगों को दे देना है, जो भी आप लोगों के जमीन के अनुकूल जो भी रकबा होगा उसके अनुकूल जो लगान फिक्स करना होगा वो आप लोगों को फिक्स करना है। यहाँ पे अगर आप लोगों का सिर्फ ईयर गलत है तो आप लोग ईयर को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग कौन कौन डिटेल्स को सुधार यहाँ पे करने वाले हैं। तो अगर आप लोग सिर्फ लगान के लिए सुधार करने वाले हैं तो लगान सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दस्तावेज का यहाँ पे नाम मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लोग दस्तावेज का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को दस्तावेज का नंबर, अगर आप लोग रसीद अपलोड कर रहे हैं तो रसीद पे एक नंबर होता है, उसे आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद दस्तावेज का तारीख, कौन से ईयर में वो रसीद जो है यहाँ पे अपडेट हुआ है, तो यहाँ पे हम 2010 का अगर देने वाले हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देते हैं। मेरा रसीद 2019 का है, तो जो भी ईयर का आप लोगों का यहाँ पे रसीद रहेगा या केवाला रहेगा, आप लोग यहाँ पे उस डेट को सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद कौन उस रसीद को इशू किए हैं उसका यहाँ पे जो है डिटेल्स मांग रहा है, तो यहाँ पे कर्मचारी के द्वारा अगर रसीद कटा गया तो कर्मचारी आप लोग लिख देंगे। यहाँ पे मैं शॉर्ट डिटेल्स में कैसे लिख देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे हम एक डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं कुछ इस तरह से। उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लीजिएगा तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे कम से कम आप लोगों का 500 केबी साइज में होना चाहिए, तो चलिए हम यहाँ पे 500 केबी का एक जो है यहाँ पे ले लेते हैं कुछ इस तरह से। आप लोगों को भी अपना ले लेना है ताकि आप लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ इस तरह से आप लोगों का यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अगर आप लोग और भी कोई डिटेल्स यहाँ पे सुधार करना चाहते हैं तो एड नो को कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को प्रीव्यू करना है, और प्रीव्यू करने के बाद आप लोगों का यहाँ पे सारा डिटेल्स ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग अपना डिटेल्स को चेक करके फाइनल सबमिट करेंगे और आपका आवेदन जो है आपके अंचल अधिकारी के द्वारा यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जिसे सत्यापन करने के बाद आप लोगों का डिटेल्स अपडेट कर दिया जाएगा।
सो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को परिमार्जन प्लस पोर्टल पे कैसे आवेदन करना है और परिमार्जन प्लस पोर्टल क्या है इसके बारे में इस वीडियो में पूरे कंप्लीट जानकारी आप लोगों को बताई गई होगी। ऐसे आवेदन करने के लिए अगर कोई भी दिक्कत आप लोगों को आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।